दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और मेरे इस वास्तु के चैनल में, जिसमें हम लोग वास्तु विज्ञान भवन निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेन गेट के बारे में। आपने हमारा 5A वीडियो देखा, जिसमें आपने देखा कि मेन गेट जो है वो होना कहाँ चाहिए प्लॉट में। फिर 5B वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसमें देखा होगा कि मेन गेट कैसा होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि मेन गेट का जो है वो कलर क्या होना चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से अगर मेन गेट अगर आपका सही जगह पर नहीं है तो कलर उसको बैलेंस कर सकता है, अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम लोग कलर उस मेन गेट का रखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेन गेट का क्या कलर होना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा प्लॉट है, इसमें ये उत्तर है, ऊपर में उत्तर होता है हमेशा किसी भी नक्शे में, नॉर्थ नीचे दक्षिण, साउथ ये पूरब है, ईस्ट और ये पश्चिम है। वेस्ट। तो मान लिया जाए इस प्लॉट को हम लोग जो है 9 पार्ट में बांट देते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से गेट कहां होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि वास्तु के हिसाब से आपको कुछ मजबूरी रहे, आपने गेट उस जगह पर नहीं डाल पाए। अब मानते हैं कि यहां पर किसी का गेट है, हम लोग इस कॉर्नर को जानते हैं। और इस कॉर्नर को जाने से पहले हम बता दें कि सूर्य भगवान पूरब से उदित होते हैं और दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि आग्नेय कोण है। वास्तु के हिसाब से कलर पर मैं 3-4 वीडियो और बनाने वाला हूं। मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ गेट के बारे में आपको बताऊंगा। कलर कौन अच्छा होता है, जो नेचुरल कलर हो वो सबसे अच्छा माना जाता है। नेचुरल कलर यानी कि सफेद जो कलर है, इसको कि हम लोग व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट कलर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप व्हाइट कलर कहीं भी यूज करें बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हमारे आंखों को बहुत अच्छा लगने वाला कलर है हरा, हल्का हरा आप बोल सकते हैं, हल्का हरा, लाइट ग्रीन। और उसके बाद एक और नेचुरल कलर है पीला, इसको कि आप येलो बोलते हैं। तो ये तीनों कलर आप कहीं भी यूज करते हैं, ये तीनों कलर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, सफेद, हल्का हरा और पीला, आपके सारे वास्तु दोष इससे दूर हो जाएंगे। इस तीनों कलर के अलावा जो भी है पंच तत्वों के हिसाब से हमको गेट का कलर रखना चाहिए। मान लिया जाए गेट इस जगह है, हमारा मुख्य द्वार या तो इस जगह है या इस जगह है। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, यानी कि ये हो गया आग्नेय कोण, सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, अग्नि का जगह है ये, अग्नि का जगह। अग्नि का कौन सा कलर होता है, लाल। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जितने भी कलर मैंने बताया ये बहुत ही अच्छा है, बेस्ट कलर है, सफेद, हल्का हरा, पीला। लेकिन हम लोगों को डार्क कलर अवॉइड करना चाहिए। डार्क कलर में जैसे हो गया ब्लैक, जैसे इसका कलर हो गया जिसे हम लोग लिख रहे हैं ब्लैक, डार्क रेड, डार्क ग्रे कलर, ये कलर से हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, इन कलरों को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो अब आते हैं इस अग्नि कोण में, कलर तो वैसे लाल होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि लाल कलर को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो लाल कलर जो है दोस्ती का, प्रेम का कलर है, लेकिन अधिक जरूरत से ज्यादा लाल अगर कलर रहता है दरवाजे पर, आप बॉर्डर बना सकते हैं। तो अग्नि का कलर, और उसके बाद क्या है, लकड़ी का कलर, ये लकड़ी तत्व भी है। तो यहां पर वुड कलर आप लोग यूज कर सकते हैं, वुड कलर हो गया। किसी को अगर पिंक पसंद है तो पिंक यूज कर सकता है, गुलाबी, ऑरेंज, येलो, ये सब कलर जो है आप इस गेट में यूज कर लीजिए। लाल कलर का आप बॉर्डर बना लीजिए, तो ये बेस्ट कलर है। और मैं फिर से रिपीट करता हूं,
सफेद, हल्का हरा और पीला आप जहां इच्छा है वहां लगा सकते हैं। अब इस कॉर्नर पे आते हैं, इस जगह पर, अगर इस जगह पर गेट है, यहां से लेकर यहां इस पोर्शन में अगर गेट है, तो सूर्य भगवान सूर्य का ये पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या होना चाहिए, यहां भी आप वुड कलर लगा सकते हैं, लकड़ी का रंग वुड कलर लगा सकते हैं, सफेद, हल्का हरा और पीला तो आप लगा ही सकते हैं, येलो तो आप लगा ही सकते हैं, व्हाइट लगा ही सकते हैं, और हल्का लाइट ग्रीन आप यहां यूज कर सकते हैं। ये जो है सूर्य भगवान सूर्य का कलर है। अब आते हैं इस कॉर्नर पर, अगर यहां पर किसी का मेन गेट है इस जगह पर और इस जगह पर, तो ये जो कॉर्नर है ये भगवान शंकर का है, यहां से ऊपर जल तत्व भी है और इधर से पूर्व से हमें जो है एनर्जी भी मिलती है भगवान सूर्य देव की। ये जुपिटर का भी भाग बोला जाता है, लोग बोलते हैं। तो यहां सबसे बेस्ट जो होता है वो येलो होता है, येलो होता है, चूंकि ये उत्तर के दीवार की तरफ आ गया, तो यहां पर आप स्काई ब्लू भी यूज कर सकते हैं, लाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, सफेद भी यूज कर सकते हैं, पीला, ये तीनों कलर तो कॉमन कलर है, इसके अलावा ये दोनों कलर यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस पोर्शन में आते हैं, अगर इस पोर्शन में किसी का गेट है, इस पोर्शन में किसी का गेट है, ये प्योर ही जो है कुबेर का खजाना है, जल तत्व है यहां पर, तो यहां पर आप हमेशा ब्लू कलर ही यूज करें, वो भी स्काई ब्लू, स्काई ब्लू यूज करें। आप हल्का ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, लाइट ग्रे कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब इस पोर्शन में आते हैं, अगर इस पोर्शन में किसी का मेन गेट या तो इधर है या इधर है, तो ये जो जगह है ये मून यानी कि चंद्रमा का जगह है, और हम लोग सब जानते हैं ये वायव्य कोण कॉर्नर है, ये वायव्य कॉर्नर वायु का, तो वायु का रंग क्या होता है, सफेद। तो वैसे भी सफेद जो है मैंने बोला नेचुरल कलर है, सफेद, हल्का हरा और पीला आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। हल्का हरा इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में नए नए कोपल निकलते हैं वृक्षों से, हल्के हरे रंग के, बहुत ही मन को भाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही शुभ कलर होता है, और हरा कलर जो है हमें नई ऊर्जा, नई एनर्जी देता है। तो आप इस जगह पर जो है सफेद कलर यूज करिए, व्हाइट यूज कीजिए, लाइट ग्रीन यूज कीजिए, येलो यूज कीजिए, और पानी का कलर तो किसी को इच्छा है तो लाइट जो है ग्रेइश कलर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हल्का लाइट। अब इस पोर्शन में आते हैं, ये धातु का जगह है, मेटालिक जगह है, तो यहां पर मेटालिक कलर आप यूज कर सकते हैं, जितना भी मेटालिक कलर है यहां पर यूज कर सकते हैं, मेटालिक कलर जो मेटल का कलर होता है वो यूज कर सकते हैं आप, ब्लू यूज कर सकते हैं यहां पर। अब आते हैं इस पोर्शन पर, ये है साउथ वेस्ट का पोर्शन, राहु का जगह है और यम का द्वार है, नैऋत्य कोण इसको वास्तु में बोलते हैं। ये जगह जो है पृथ्वी यानी कि भारी तत्व, तो पृथ्वी का कौन सा कलर है, तो यहां पर जो भी कलर होगा मिट्टी का कलर हम लोग यूज करेंगे, अर्थ कलर हम लोग यूज करेंगे, अर्थ का जो भी कलर है। अगर किसी का गेट यहां पर है और वास्तु दोष दूर करना है तो येलो से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, मिट्टी हल्का येलोइश भी होता है, लाइट ब्राउनिश भी होता, कहीं कहीं मिट्टी पाया जाता है, लाइट ब्राउन भी आप यूज कर सकते हैं, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट साउथ के कलर में, ये कलर जो है ये जगह मंगल का है, हम लोग सभी जानते हैं, ये भी नैऋत्य कोण का पार्ट है और सन से एनर्जी भी आ रही है इधर, इस साउथ वेस्ट का प्रभाव भी और यहां भी प्रभाव है। तो वैसे तो मंगल का रंग होता है लाल, लेकिन मैंने रेड कलर लगाने से मना किया है, तो आपको लाइट रेड यूज कर सकते हैं आप यहां पर, या येलो यूज कर सकते हैं, ऑरेंज यूज कर सकते हैं, पिंक यूज कर सकते हैं। बीच वाला जो जगह है
वहां तो गेट रहता नहीं, इसलिए मैं इस पर इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं। बाकी ये जो कलर है आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने क्या किया, इन कलर को यूज करके जो हमारा पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल के तत्व को हम लोग जल वाला कलर यूज कर लिए, आग आग अग्नि वाले तत्व के जगह अग्नि वाला कलर यूज कर लिया हमने, अर्थ वाले जगह पर अर्थ वाला कलर यूज किया। बिल्कुल ये साइंटिफिक तरीके से मैंने बताया, क्योंकि कलर का इंपैक्ट हमारे आंखों पर, हमारी एनर्जी पर आता है। तो इस तरीके से अगर आप मेन गेट का कलर यूज करते हैं तो आपका जो है वास्तु, अगर कहीं मेन गेट गलत जगह भी है तो आपका वास्तु सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया कि मेन गेट का क्या कलर होना चाहिए। इस पर अभी अभी हम मेन गेट के बारे में और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, द्वार भेद क्या होता है और मेन गेट पर क्या क्या लगाना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको आप सभी से अनुरोध करूंगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों अपने साथियों और संबंधियों में इसको शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।